वेलकम टू द पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, दुनिया में कभी कभार कुछ ऐसे अजीब इत्तेफाक होते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। ऐसे ही कुछ अजीब और गरीब इत्तेफाक के बारे में हम आपको आज किस वीडियो में बताएंगे। अप्रैल 2019 में नील डगलस नाम का एक आदमी लंदन से आयरलैंड जहाज पर सफर कर रहा था। ये 32 साल आदमी अपनी सीट पर अभी बैठा ही था कि इसके साथ एक और आदमी आकर बैठ गया। हैरत अंगेज इत्तेफाक की बात तो ये थी कि आदमी बिल्कुल उसका हमशक्ल लग रहा था। ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। वही चेहरा और वैसी ही दाढ़ी। इस दूसरे आदमी का नाम रॉबर्ट सिरलिंग था। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ सेल्फी ली। इन दोनों को देखकर जहाज में बैठे दूसरे लोग भी हैरान रह गए थे। एक और इंतहाई अजीब इत्तेफाक ये था कि इन दोनों को जब पता चला कि ये दोनों आयरलैंड में एक ही होटल में रुके हुए हैं। इनकी ये अजीब इत्तेफाक की कहानी काफी मशहूर हुई थी। नाज़रीन, अब तो एक ऐसी वेबसाइट भी मौजूद है जिसके जरिए आप दुनिया में मौजूद अपने किसी भी हमशक्ल को ढूंढ सकते हैं। चाइना के खूबसूरत गांव जोथांग में एक बूढ़ा किसान रहता है। इसका नाम शू वाईफोंग है। 2018 में ये दरिया के किनारे कुछ काम कर रहा था कि अचानक इसे किसी की चीखने की आवाजें आईं। इसने देखा कि एक बच्चा दरिया में डूबने वाला है। ये किसान भागा भागा दरिया में गया और उसने इस डूबते बच्चे की जान बचा ली। लेकिन बाद में एक हैरत अंगेज बात सामने आई। नाज़रीन, आप इत्तेफाक देखें, ठीक 30 साल पहले इस बच्चे का बाप भी इसी दरिया में डूब रहा था और इस आदमी को बचाने वाला भी यही किसान था जिसने 30 साल बाद इसके बेटे को भी इसे दरिया के उसी हिस्से में डूबने से बचा लिया। इनकी ये कहानी काफी मशहूर हुई थी। किंग अम्बर्टो वन इटली का बादशाह था। उसने 1878 में अपना तख्त संभाला था। 18 जुलाई 1900 को ये बादशाह इटली के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। इस रेस्टोरेंट का मालिक बादशाह का इस्तकबाल करने के लिए आ गया और फिर इनको कुछ अजीब बातें पता चली। इस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम भी अम्बर्टो था। इन दोनों की शक्लें भी बहुत ज्यादा मिलती थी। किंग अम्बर्टो और इस रेस्टोरेंट का मालिक इटली के एक ही शहर ट्यूरिन में पैदा हुए थे। इन दोनों की शादी भी एक ही दिन हुई थी और दोनों की बीवियों का नाम भी मार्गरेटा था। नाज़रीन, एक और हैरतअंगेज बात ये थी कि जब अम्बर्टो ने अपना तख्त संभाला था तो उसी दिन इस रेस्टोरेंट के मालिक ने भी अपना रेस्टोरेंट खोला था। इनकी मुलाकात के कुछ अरसे के बाद इस रेस्टोरेंट के मालिक अम्बर्टो को किसी ने गोली मारकर कत्ल कर दिया और अजीब इत्तेफाक देखें कि इसके कत्ल के कुछ दिन के बाद किंग अम्बर्टो को भी गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। 1970s में साउथ कोरिया में दो बहनों को इनके वालदैन ने अलग अलग यतीम खाने में छोड़ दिया। कुछ अरसे के बाद इन दोनों बहनों को दो अलग अलग जोड़ों ने अडॉप्ट किया और ये दोनों अमेरिकन जोड़े थे, यानी दोनों बहनें अमेरिका चली गईं। एक का नाम मेगन था और एक का नाम होली था। ये दोनों 40 साल की हो गई थी लेकिन कभी एक दूसरे से नहीं मिली थी। लेकिन आप इत्तेफाक देखें कि होली को अमेरिका में फ्लोरिडा के अंदर एक हॉस्पिटल में नर्स की जॉब मिल गई और ये इस हॉस्पिटल के चौथे फ्लोर पर काम कर रही थी। 3 महीने के बाद इसकी बहन मेगन भी इसी हॉस्पिटल के इसी फ्लोर पर काम करना शुरू हो गई। इनको मालूम नहीं था कि ये बहनें हैं और ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गईं। फिर अपनी जिंदगी को डिस्कस करते हुए इनको हैरत हुई कि इनकी कहानी बिल्कुल एक जैसी है। इन दोनों ने अपना जेनेटिक टेस्ट करवाया और डीएनए टेस्ट करवाने के बाद वहाँ से इनकी हैरत की इंतहा नहीं रही कि दोनों दरअसल बहनें थी जिनको 40 साल के बाद किस्मत ने मिला दिया। नाज़रीन, बीबीसी रिपोर्टर यूके की सड़कों पर बूढ़े लोगों का इंटरव्यू ले रहा था। इसका सवाल था कि क्या इनको 1967 में होने वाले एफए कप के एक मैच का पता है। इसमें लिवरपूल और इवर्टन का आमना सामना हुआ था। नाज़रीन, आप इत्तेफाक देखिए, जब उसने एक बूढ़े आदमी से यह सवाल पूछा तो उसने हंस कर कहा कि मेरा नाम टोमी लॉरेंस है, मैं उस मैच का हिस्सा था और लिवरपूल का गोलकीपर था और ये वीडियो काफी वायरल हो गई थी। आखिर में बात करते हैं एक इंतहाई अजीब हादसे की। कहते हैं कि तारीख का पहला गाड़ी का हादसा अमेरिकन स्टेट ओहायो में हुआ था। ये 1895 की बात है। ये हादसा दो गाड़ियों के दरमियान पेश आया था लेकिन ये एक इंतहाई हैरत अंगेज बात थी। उस वक्त गाड़ियाँ आम नहीं थी और पूरी ओहायो स्टेट में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ यही दो गाड़ियाँ थी। आप इत्तेफाक चेक करें कि यही दो गाड़ियाँ आमने सामने आकर टकरा गईं। कुछ लोग इस वाक्य को फर्जी भी कहते हैं लेकिन अगर इसमें हकीकत है तो ये एक इंतहाई हैरत अंगेज बात है। नाज़रीन, आपको इन सब में से कौन सी इंटरेस्टिंग इत्तेफाक की कहानी कौन सी लगी हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।